दोस्तों, हम में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको नॉनवेज खाना पसंद है। अगर उस पर वो एक चिकन की डिश हो तो फिर मजा ही आ जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेस्ट किचन में। तो आज हम सीखेंगे स्पाइसी चिकन करी कैसे बनाते हैं। तो चलिए बिना देर किए लेट्स बिगिन। सबसे पहले एक मिक्सी जार में लेंगे 2 इंच अदरक, 4 से 5 हरी मिर्च, 8 से 10 लहसुन, 1 प्याज कटा हुआ, 1 कप फ्रेश हरा धनिया, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 नींबू का रस, 1 नमक स्वादानुसार, 1 जरूरत के हिसाब से पानी, और इसे अच्छे से पीस लेंगे। अब हम लेंगे 1/2 किलो चिकन और उसमें तैयार किया हुआ हरा मसाला ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करें ताकि ये सारा मसाला चिकन को अच्छे से लग जाए, और इसे 2 घंटे के लिए साइड में रख दें। अब एक गरम पैन में ले 3 छोटे चम्मच तेल, 1 बड़ा चम्मच सूखा धनिया, और इसे कुछ देर तक रोस्ट करें। अब इसमें डालें 1 इलायची, 2 इंच जावित्री, 1 इंच दालचीनी, 1/4 चक्रीफूल, 10 से 12 लौंग, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1.5 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच शाही जीरा, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, 4 से 5 लहसुन, और इन सबको अच्छे से रोस्ट करें। अब हम इनको एक प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। अब उसी पैन में लेंगे 1 छोटा चम्मच तेल, 8 से 10 लाल मिर्च, और इसे भी अच्छे से भूनेंगे। इनको भी अब उसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम लेंगे 1 छोटा चम्मच तेल, उसमें डालेंगे 1 स्लाइस किया हुआ प्याज, और इसे नरम होने तक फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 कप किसा हुआ नारियल, और इसे भी अच्छे से पकाएंगे। इसको भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब एक मिक्सी जार में ये सारे भुने हुए चीजों को हम डाल देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया, जरूरत के हिसाब से पानी, एक इंच दगड़ फूल, और इसे अच्छे से पीस लेंगे। अब कुकर में डालेंगे 1/2 कप तेल, 2 स्लाइस किए हुए प्याज, और इसे कुछ टाइम के लिए टॉस करेंगे। अब ढक्कन को ढक के 5 से 7 मिनट तक इसको पकने देंगे। अब इसे कुछ टाइम के लिए मिक्स करेंगे। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे।
आप कुकर के ढक्कन को बंद करके इसे एक सीटी आने तक पकाएंगे। अब इसमें डालेंगे पिसा हुआ मसाला और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे जरूरत के हिसाब से पानी, दो कटे हुए टमाटर और इसे हल्के हाथों से अच्छे से मिलाएंगे। अब डालेंगे नमक स्वादानुसार और इसे एक और एक बार अच्छे से मिलाएंगे। अब वापस कुकर को ढक के इसे एक सीटी आने तक पकाएंगे। अब हम इसे हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। आपका चिकन ग्रेवी सर्व करने के लिए रेडी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइए, क्योंकि आपको ऐसी अच्छी और अनोखी रेसिपी इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, बी सेफ।